जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पकड़ देने से क्या हो गया, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 200 पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा, कब टेंडर हुआ, पूरा देश के लोग है, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम किए, लोग समझ रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और भी कई सारी मांग को लेकर लगातार देखिए विपक्ष जो है वो एनडीए घटक दल पर हमलावर है और ऐसे में बिहार विधानसभा के अंदर हंगामे लगातार देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर देखिए सामने निकल के आई है जहां बिहार विधानसभा में लगातार विपक्ष के नेता हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। ऐसे में नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप जो है कहीं ना कहीं मर दिए हैं राबड़ी देवी ने। ऐसे में क्या कुछ कह रही है राबड़ी देवी वो सुने आप। और पूरे देश के लिए कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है कुर्सी बचाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के दिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पहुँची है न कल है न कारखाना है न फैक्ट्री है, यहाँ बालू और पानी है और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 200 पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा, कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है, कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया, ये सब आप लोग के पूछना चाहिए। तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम लेते हैं आप। चलिए ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हुआ है। हाँ तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है, पूरा देश के लोग है, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम किए, लोग समझ रहा है। जो पैसा नहीं देते हैं, इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, विधवा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया, दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं, महंगाई इतना है उसको कम करना चाहिए ना, इस पर कुछ नहीं बोले और दाम बढ़ा और दाम बढ़ा है। तो आपने सुन लिया बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। देखा जाए तो राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में राबड़ी देवी ने यह साफ कहा है कि जो भी नीतीश कुमार ने किया है बस अपने लाभ के लिए किया है, बिहार की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे में बस उन्हें अपना ही लाभ दिखता है और अपने ही लाभ के लिए वो काम करते हुए नजर आते हैं। बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज मिला है। ऐसे में कई सारी समस्याओं को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही थी राबड़ी देवी, तो वहीं क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बरड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।